वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज द लास्ट टॉपिक अबाउट चैप्टर वाटर. ओके, सो द टॉपिक इज कंडेंसेशन, है ना. बिफोर दैट, हम कंडेंसेशन से पहले जो है इवेपोरेशन, वाटर साइकिल के दो मेन प्रोसेस होते हैं, है ना. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल मीन्स जो अर्थ का जो वाटर रहता है वो वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है और वहां से फिर पानी बन के नीचे जमीन पे आ जाता है. ये एक साइकिल बनता है. तो उसमें एक तो इवोपोरेशन काम करता है, इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण, और एक जो सेकंड टॉपिक है ये कंडेंसेशन है. कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन, ठीक है. सो व्हाट डू मीन बाय कंडेंसेशन? आपने देखा है कभी बिल्कुल ही चिल्ड वाटर आपने फ्रीजर से निकाला हो और उसको ग्लास में डाला, तो उस ग्लास के आसपास पानी जम जाता है. मतलब क्या हुआ कि वो जो हवा में वाटर वेपर मौजूद है जो अपनों को दिखती नहीं है, देयर इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वी कांट सी बिकॉज इट इज लाइक एयर. सो व्हेन वी पोर चिल्ड वाटर और कोल्ड वाटर इनटू द ग्लास, द आउटसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास हैविंग स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स, हाउ इट कम्स, यानी ग्लास के चारों तरफ जो छोटी छोटी बूंदे बन जाती वो कैसे बनती है. हमने जो है ठंडा पानी डाला तो आसपास की एयर में जो वाटर वेपर मौजूद है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है वहां की सरफेस के पास में. जैसे ये ग्लास है, ठीक है, तो इसके पास में यहां पर ये जो एयर है, ये एयर जो है ठंडी हो जाती क्योंकि हमने चिल्ड वाटर डाला है. तो यहां पर क्या होता है, ये छोटी छोटी बूंदे जम जाती, छोटी छोटी बूंदे. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन. द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड, मींस चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर का यानी वाष्प का फिर से पानी में बदल जाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन. ऑन कूलिंग मतलब ठंडा होने पर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इसको क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन, संघनन होता है, ठीक है. अब इसका जो हमको एग्जांपल कहाँ दिखते हैं, आपने बादल देखे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. बादल कैसे बनते हैं? ये भी कंडेंसेशन से बनते हैं. हमारे यहाँ पर बड़े बड़े ओशियंस, रिवर्स, लेक्स है ना, तालाब वगैरह है, तो वहां से क्या होता है कि वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है और वो वाटर वेपर जो हवा में बन के जा रही है वो कंडेंसेशन से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यानी बादल बनते हैं. क्या होता है? छोटी 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 बारीक बूंदे आपस में घूमने लगती ऊपर जो बादल का रूप ले लेती, ठीक है. ड्यू, ड्यू मतलब आपने ठंड के दिनों में देखा होगा या फिर मॉर्निंग टाइम में आप जब वॉक पे जाते हैं तो छोटी छोटी घास के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, पानी की बूंदे रहती, उन्हीं को ड्यू बोला जाता है. वो कहाँ से आती? वो भी जो वाटर वेपर मौजूद रहती है वो क्या होता है, रात के समय में ठंडा मौसम रहता है तो वो भारी होकर उस घास के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है. फोग, फोग मीन्स कोहरा. कोहरा तो आपने देखा है सभी ने. होता क्या है कि जो हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल मौजूद है जो अपनों को दिखते नहीं, धूल के कण मौजूद है हवा में, उनके ऊपर ठंड के दिनों में इन विंटर टाइम, तो उन छोटे छोटे जो ड्रॉप, जो धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल, उनके ऊपर वाटर वेपर जो है जम जाता है तो वो दिखने लगते हैं वो सभी, तो हम उसको कोहरा बोलते हैं, ठीक है. और फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है? ये जो जब कहीं पर हिल स्टेशन वगैरह पे बर्फबारी होने लगती है उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है. एंड स्नो, जब डायरेक्ट बर्फ गिरती है ना, स्नो यानी बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, तो ये स्नो हो जाता है, ये फ्रॉस्ट, ये स्नो वगैरह. अब ये सारी चीजें किसका परिणाम है, ये कैसे बन रहा है? ये सब कंडेंसेशन से होता है. किससे होता है? कंडेंसेशन से. ड्यू, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं. ड्यू क्या होता है? वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट. किसी भी, जैसे अब मैंने पानी के ग्लास का एग्जांपल दिया आपको कि ग्लास ऑफ वाटर के आसपास चारों तरफ पानी की बूंदे जम जाती है, या चिल्ड वाटर की बोतल है उसके आसपास गीला गीला महसूस होता है, यानी बूंदे जम जाती है, होता है ना. या फिर आप ग्लास के सामने जाके मुंह से थोड़ा सांस छोड़ के देखो, उसके ऊपर भी आपकी सांस जम जाएगी, तो वो क्या है? वो ड्यू है, वाटर वेपर कंडेंसेशन ऑन कोल्ड. क्योंकि ग्लास जो है ठंडा है, मिरर ठंडा रहता है, कांच, आपने जाके सांस छोड़ी तो उस पर क्यों जमता है? आपकी सांस गर्म है, इसमें वाटर वेपर है अंदर, वो ग्लास पे आके जम जाती है, वाटर बन जाती है. स्नो, स्नो मैंने आपको बताया वाटर वेपर, फिर जैसे हवा में अचानक वाटर वेपर यानी कंडेंसेशन अधिक हो जाता है, टेम्परेचर कम रहता है, तो स्नो बन के बर्फ बन के नीचे गिर जाता है. फोग क्या है? वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल इन एयर. डस्ट पार्टिकल के ऊपर जो है वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है ना, जम जाती है, ठीक है.
अब ये इस तरीके से कंडेंसेशन होता है, तो कंडेंसेशन से तो वाटर वेपर जो है वापस वाटर बन जाता है, और इवोपरेशन से वाटर जो है वाटर वेपर बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इवोपरेशन जो पहले बार पिछले लेक्चर में हमने देखा था वो, यानी इवोपरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मीन्स जल संरक्षण। आपको पता है पीने योग्य जल बहुत कम है इस धरती पे, पानी तो बहुत है, देयर इज सो मेनी वाटर, सेलाइन वाटर बहुत ज्यादा है, समुद्री पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, सेलाइन वाटर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो साल्ट ज्यादा रहता है उसमें, है ना। सो वाटर कंजर्वेशन में हम ये देखते हैं कि पानी पीने योग्य बहुत कम है, यूज करने लायक पानी कम है, और इसको अगर वेस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बाद में ऐसा समय आएगा जब लोग पानी के लिए तरसने लग जाएंगे। तो हमको कहीं ना कहीं सभी तरह से, क्योंकि हमारे जीवन में पानी, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है बोला गया है, तो हकीकत है, बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन, यानी खेती करने के लिए पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आपके घर में आप अंदाजा लगाओ अगर बिजली नहीं रहे तो क्या होगा, या आजकल मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं चलेंगे, टीवी नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी किससे बन रही है अभी के हाल में? अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी वाटर के, वाटर डैम्स वगैरह से बनती है। एंड हाउस होल्ड वर्क, यानी घर पे भी खाना पकाने से लेके नहाना धोना, कपड़े धोना, सारी चीज़ें हाउस होल्ड वर्क भी इसी से होता है। किसी ने जानवर पाल रखे तो उसको भी पानी पिलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वाटर, अब ये इतना महत्वपूर्ण अंग है हमारी लाइफ का, अगर हम इसको वेस्ट करते जाएंगे तो दिक्कत आएगी ना, तो इसलिए वाटर कंजर्वेशन किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाता है? बिल्डिंग डैम्स, यानी बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? गांधी सागर है, ये बहुत बड़ा डैम है ना, ये आर्टिफिशियल लेक है एक तरीके से, इसमें डैम भी है। ये जो है डैम कैसे बनाए जाते हैं, हाइट पे बनाए जाते हैं, जैसे ये नदी आ रही इधर से, तो यहाँ पर उसको एक खड़ी दीवार करके यहाँ पर रोक दिया, ठीक है, इधर से नदी आ रही थी उसको रोक दिया, तो इधर पानी जमा होने लगता है। अब ये तो डैम है, यानी यहाँ से पानी को गिराया जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए टर्बाइन घुमाते हैं। इस डैम के उधर में जो बनता है उसको बोलते हैं रिजर्वर। गांधी सागर डैम भी है और रिजर्वर भी, और इसी से बहुत सारी केनाल भी जुड़ी हुई। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सो बिल्डिंग डैम, ये भी पानी का स्टोर करने का बहुत बढ़िया जरिया है। रिजर्वर, रिजर्वर मतलब डैम के इधर में जो पानी इकट्ठा होता है, जैसे अपने गांधी सागर का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, 100 किलोमीटर के दायरे में पानी जमा किया हुआ है, 100 किलोमीटर में। और केनाल्स, केनाल्स मतलब उससे छोटी छोटी नहरें निकाली जाती है, ताकि किसान लोग क्या है उनके खेतों में नहरों से जितना प्रयोग करना हो उतना पानी ले सकते हैं, है ना। सो डैम, रिजर्वर और केनाल, इनके थ्रू हम वाटर को कंजर्व किया जाता है। ऐसा है कि हमको पीने योग्य पानी कुएं से मिलता है, नदी तालाब से मिलता है, लेकिन ये भराते कब है? जब बारिश होती है, है ना। बारिश कब होती है? जब कंडेंसेशन होता है। तो क्या साल भर बारिश होती रहती है क्या? नहीं होती, बारिश सिर्फ 3 या 4 महीने होती है। सो वी हैव ओनली रेन इन 3 or 4 months, पर हमको साल भर पानी चाहिए। तो इसको स्टोरेज करने का हमारे पास प्रॉपर जरिया होना चाहिए। पानी गिरता है, बहुत सारा पानी गिरता है, लेकिन सब बह के चला जाता है कहाँ पर? नदियों के रूप में, महासागर और सागर में ना, ओशन और सी में चला जाता है। तो उसको रिजर्व करना ही वाटर कंजर्वेशन है, ठीक है। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है आज, और अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप इसको लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ेंगे। ओके बाय।